पहले दिन जब तक इनको बेहतरीन रहा, जो सोच के आया था वो एक महीने में आप कर पाएंगे, ये डर तो था ना आपके मन में? पहले दिन तो डर था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे दिन ये और बैठता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने सिखाया, पहले दिन तो दो दिन में डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप कर सकते हो, और उसके बाद जब आप सर से सीखोगे सेक्शन वाइज और कंपोनेंट की जानकारी, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप सीख सकते हो। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? अमित चौरसिया। बताओ मुझे कि अमित, आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स अटेंड किया ना जी। तो आपने एशिया टेलीकॉम क्यों चुना? आप कहाँ से आए हैं वैसे? हम कानपुर से, यूपी से। कानपुर से जी। तो इतनी दूर आपने, दिल्ली जा सकते थे आप, पटना जा सकते, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वहां जा सकते थे, एशिया टेलीकॉम क्यों? हमने ये मोबाइल हार्डवेयर का काम करना था, सीखना था, और उसके लिए हमने गूगल पे सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूट, और उसमें कई इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें आप उसमें सिलेक्शन करना था कि उसमें कौन सा सही है। लेकिन उसमें फिर हमने धीरे धीरे उसको सब्सक्राइब किया, सारों को सब्सक्राइब किया, उसमें आपके वीडियो आते थे, जिस वीडियो का हमने अप्लाई किया हार्डवेयर पे, और वो वहाँ पे वर्क कर रहे थे, और उससे सीखने को मिला। जब हमने उसके उसके बाद बाकी इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन जो आपके वीडियो में देखा रिव्यू का, ये बच्चों का रिव्यू, वो भी बढ़िया था, इसलिए हमने सीधा और कहीं नहीं सिलेक्शन करके सीधा इसे टेलीकॉम इंस्टीट्यूट पे आ गए, इसलिए यहाँ पर आए। अच्छा ये बताइए, अब आपका पहले दिन से और अब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा? पहले दिन से अब तक एकदम बेहतरीन रहा, जो सोच के आया था वो हो गया। वो एक महीने में आप कर पाएंगे, ये डर तो था ना आपके मन में? पहले दिन तो डर था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे दिन ये और रहता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने सिखाया, पहले दिन तो दो दिन में डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप कर सकते हो, और उसके बाद जब आप सर से सीखोगे सेक्शन वाइज और कंपोनेंट की जानकारी, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप सीख सकते हो। अच्छा मुझे एक आखिरी चीज बताइए कि आप किसी स्टूडेंट को जो इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे होंगे, या उन टेक्नीशियन को जो यूट्यूब देख के ऐसे जो अपनी दुकान चला रहे होंगे, उनको आप क्या एक राय देना चाहते हैं? ये बस बताइए कि मेरे पास आओ, पर सही तरीके से काम करने के लिए और किसी सही तरीके से इंस्टीट्यूट चुनने के लिए क्या उनको करना चाहिए? पूरे वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं, बहुत से बच्चे जो हार्डवेयर का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन वो एक सही जानकारी जिसकी कि कहाँ पे जाए जहाँ पे अच्छे से सीख पाए। बहुत से लोग शॉप पे जाते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब से सीखते हैं, लेकिन कहीं भी प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा दिखता है। अगर उसको, जिसके पास बहुत सी दुकानें हैं जो चाहते हैं कि हम कम समय में अच्छी चीज कर ले, जिनके पास समय नहीं है, वो सीधे एशिया टेलीकॉम में जाए, जिनके पास समय की दिक्कत है और जो शॉप छोड़ के नहीं आना चाहते और एक महीने में बढ़िया कारीगर बनना चाहते हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, और उसमें प्लस सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी एक महीने। तो किसी इंस्टीट्यूट को चुनने के, किसी इंस्टीट्यूट को चुनते टाइम क्या देखना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे तुमने क्या देखा जो तुम यहाँ पर आए? हमने तो सबसे पहले बच्चों के रिव्यू देखे, वो अच्छे लगे, और जो इनके वीडियो है वो हमने खुद अप्लाई किए कि वो वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। अदर में इसमें जब वर्क किया तो हमारा जो सोल्यूशन था वो हो गया हार्डवेयर में, जैसे हमने कनेक्टर निकालना, कई चीजें आईसीएसी रिवॉल्व करना देखा भी, और हमने वो चीज प्रैक्टिकली ली जब हम कुछ नहीं जाते। आपने कहा कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले उसके रिव्यू, उसके स्टूडेंट के रिव्यू और उसका वर्क देख ले कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा मुझे एक और बात बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आपको कॉल लगाओ तो कॉल नहीं उठाते हैं, ये एरोगेंट है और बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा उसको बता देंगे लोगों को कि क्या एक्चुअली करी थी कि जब हम कॉल मिला रहे थे तो एक बार में नहीं उठता है वो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर पूरे वर्ल्ड वाइड कॉल आती है और सर उठा उठा के थक जाते हैं कि किसका अटेंड करें, तो उसकी वजह से भी कॉल नहीं उठते। और यहाँ पे क्लासेस जो है 5 से 6 घंटे की लगती है, उसकी वजह से भी इनके पास इतना समय नहीं होता है कि कॉल अटेंड करें कि या बच्चों को पढ़ा। यहाँ पर मैं कॉल उठाता हूँ कि कौन, मतलब कि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्या कॉल उठाऊंगा उस टाइम पे? जब बताइए, जब मैं क्लास लेता था तो कॉल उठाता था? नहीं, जब आप कॉल करते हैं तो फोन अपना हटा ही देते हैं, साइलेंट मोड पर रख देते हैं कि उसको अटेंड करना ही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको ये राय दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि कॉल नहीं उठाया जा रहा, तुम्हारा कॉल कब उठा था वैसे? हमने तो कई बार 20 से 25 बार ट्राई किया, लेकिन आप ट्राई करना छोड़ देते हैं तभी कॉल आपका मिस हो जाएगा। आप करते रहे, अगर आपको सीखना है तो कॉल करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा मान के चलिए आपने कॉल किया होता हमको, हम आपको 50 कॉल कर रहे होते कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बार नहीं, कॉल तो हम ही नहीं करी, प्लस मैसेज किया, मैसेज में आप रिप्लाई करिए, मैसेज का रिप्लाई आता है, आज नहीं तो कल परसों आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप इतनी दूर कानपुर से आए और अपना समय दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन बने, बहुत अच्छे इंसान बने और एक बहुत मोरल बूस्ट करके जाए यहाँ से, और जो आप आगे करना चाहते हैं जीवन में वो सारी चीज आप पाए। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। गुड इवनिंग, ना सुरेंद्र कृष्ण, एशिया टेलीकॉम जबलपुर लंदे। இப்போ சாஃப்ட்வேர் இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருப்பீங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ நிறைய இடத்துக்கு போயிருப்பீங்க, நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து எங்கள் சார் வந்து இந்த புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காரு. என்னென்ன கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றது நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் டோட்டலாக பேசிக்லேருந்து ஹை லெவல் வரைக்கும் உங்களுக்கு டிரைவ்லேருந்து நீங்கள் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜில் வேணுமோ மொத்தமே அதில் வந்து கொடுத்துருக்காரு. நீங்க எங்கெங்கயோ போய் செலவு பண்றீங்க, ஜஸ்ட் ஒரு 500-600 வந்து உங்களுக்கு வந்து இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோல் டைம் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அதாவது லைஃப் டைம் வந்து சாஃப்ட்வேர் எவ்வளவு ஈஸியா பண்ணலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த புக்கு நீங்க வாங்கி பாருங்க, நாங்க உண்மையுமே நாங்க இங்க வந்து சொல்றோம், சூப்பரா இருக்கு. அதே மாதிரி கோச்சிங் அவ்வளவு அருமையா சொல்லி தராரு. சோ இது வாங்கிக்கணும், கண்டிப்பா உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, ஏசியா டெலிகாம் ஜபல்பூர்ல இருந்து சுரேந்தர் குமார். आप देख रहे हैं ऐसे टेलीकॉम का चैनल दोस्तों, हमने ईएमसी का नया क्लास चालू किया है, आप इसमें आ सकते हैं, आप इस नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ईएमसी के हमारे नए क्लास में केवल 5 स्टूडेंट को रखा जाएगा, और अगर आपको आईसीए निकालना नहीं आती, अगर आपको आईसीए रिवॉल्व करना नहीं आती, अगर आपको पेस्टेड आईसीए निकालना नहीं आती, अगर आपको सीपीयू बदलने नहीं आते, ड्यूअल सीपीयू अगर आपको निकालना नहीं आता, आपके पास डैड फोन आते हैं और डैड फोन आप बना नहीं पाते क्योंकि आईसीओ का काम आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको डैड बोर्ड रिपेयर करना नहीं आ रहा है, अगर आपने आपके पास कोई फोन आया है जो फ्लैश नहीं हो पा रहा है, जो लोगो पे अटका हुआ है, या सैमसंग का कोई फोन आया हुआ है जो आपको बता तो रहा है कि वो डैड हो चुका है बट वो डाउनलोड मोड पे नहीं आता है, या कोई भी रीजन है, आप यहाँ आइए, हम आपको सिखाएंगे बेहतर तरीके से उसकी हम ईएमसी आईसी कैसे चेंज करके आप दूसरी कौन सी ईएमसी आईसी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ईएमसी आईसी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम ये आपको बताएंगे किसी भी सेट से आप ईएमसी आईसी निकाल कर आप अगर कंपनी भी चेंज करना चाहें ईएमसी आईसी के नंबर के हिसाब से, तो आप कैसे उसको चेंज करें और उस अपने काम को आप सक्सेसफुली आप पूरा करें। तो दोस्तों ईएमसी अपग्रेड की बात करूँ या फिर ईएमसी यहाँ पर डैडबोर्ड रिपेयर की बात करूं, तो आप यहां पर आ सकते हैं। कोर्स की फीस हमारी काफी कम है, अगर आपको कोर्स की फीस जाननी है तो आप हमें, अगर आपको कोर्स की फीस जानना है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कॉल नहीं उठा रहा है तो आप एसएमएस कर सकते हैं, लिखिए ईएमसी डिटेल करके बस एसएमएस डाल दीजिए तो आपको कॉल हमारी तरफ से चला जाएगा। हमारा पहला बैच 20 फरवरी को लग रहा है 5 स्टूडेंट के साथ में, और उसके बाद जो दूसरा बैच है वो हमारा लगेगा 10 मार्च को। तो दोस्तों आप यहां आ सकते हैं, यहां पे हॉस्टल की सुविधा आपको दी जाएगी, यहां पर आपको रहने की सुविधा दी जाएगी। 10 दिन का कोर्स होगा और 11 बजे से तकरीबन 7-8 बजे तक की क्लास होगी, और डेली यहां पर सब प्रैक्टिकल है, कुछ भी आपको कॉपी किताब पेन कुछ नहीं लाना है। तो ये सारी चीजें के लिए आप यहां पर आ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपको कंपोनेंट का नॉलेज, आपको ट्रेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको कंपोनेंट ट्रेसिंग या इसका नॉलेज नहीं है तो आप हमारा एक महीने वाला कोर्स अटेंड कीजिए, जहां पर मैं आपको टोटल कंपोनेंट की नॉलेज बेसिक से लेकर एडवांस आईफोन लेवल तक मैं आपको ट्रेसिंग सिखाऊंगा, जिसमें बिना सर्किट डायग्राम के कैसे उसको ट्रेस किया जाता है, तो वो सारी चीजें आप सीखेंगे यहां पर, जो हमारा हर महीने का 28 तारीख का बैच लगता है, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग नहीं आती है, अगर आपको सीपीयू पहचानने नहीं आते हैं, अगर आपको टूल्स नहीं पता, अगर आपको ड्राइवर डालते नहीं आते हैं, तो आप हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। पर अगर आप एक महीने की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड रहता है, पर अलग से सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो उसकी हमारी हर महीने की 13 तारीख की क्लास होती है, आप उस सॉफ्टवेयर की क्लास में आ सकते हैं। वो 12-13 दिन की हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास होती है, जो डेली से 5-6 घंटे की क्लास होती है, जिसमें हम आपको सारे मोबाइलों की फ्लैशिंग प्रैक्टिकल बताएंगे विद आपके साथ ही, खुद के आपके आपके खुद के साथ ही करवाएंगे, और जिसमें सारे मोबाइल फोन के साथ में कौन सी फाइल यूज की जाती है, कौन कौन से मोबाइल में मोड यूज किए जाते हैं, और किस मोड पे क्या काम होता है, और कैसे ड्राइवर डाले जाते हैं, ड्राइवर कौन से आपको लेने चाहिए किसी मोबाइल फोन में फ्लैशिंग के बाद, एफआरपी के बाद, या आप उसका बेसबैंड रिपेयर कर रहे हैं या उसका नेटवर्क रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, अगर फ्लैशिंग के वक्त में जो एरर्स आते हैं उस पर आप कैसे उसको हटा सकते हैं। तो अगर आपको फ्लैशिंग का कोर्स करना है तो आप हर महीने का हमारा 13 तारीख का बैच लगता है, आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। यहां आइए,
बेहतर तरीके से सीखिए और एक अच्छा टेक्नीशियन बनिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आप प्रोफेशनल कोर्स अटेंड कर रहे हैं, कोई स्कूल या कॉलेज नहीं कि पूरे साल भर से पढ़ते रहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बुक है, सेकेंड जो मेरी बुक है एसे टेलीकॉम की मोबाइल सॉफ्टवेयर बुक, ये लॉन्च हो चुकी है। पहले आपने देखा होगा इसका लॉन्चिंग का वीडियो मैंने डाला था जो कि एक प्रीमियर जैसा था, कि मैंने इसको बोला था कि ये दो तीन दिन हफ्ते में आ जाएगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ये बुक को चाहते हैं और ये बुक को परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को जाके बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सिर्फ गूगल पर डालिए देवेंद्र अग्रवाल तो आपको मेरी बुक की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आप से मेरा नाम जाके गूगल पे लिखिए तो आपको मेरी बुक का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको एक बुक का लिंक लेना है तो आप इस वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक का लिंक ले सकते हैं। आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है आप इसको परचेस कर सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट मैंने आपको नीचे लिंक में दे दी है। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर का ज्ञान बढ़ाइए, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा जो कि शायद ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी सीखने को ना मिला हो। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Institute Asia Telecom Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.